हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि एक वेस्ट कपलिंग लीकेज हो रही है, इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है। ये देखिए दोस्तों, पानी निकल रहा है, वेस्ट कपलिंग से बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम रिपेयर करेंगे आज, वेस्ट कपलिंग को इसको निकालेंगे, पहले खोल लेंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें क्या क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, हर चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए पहले हम इसको पाइप को निकाल देते हैं यहाँ से, वेस्ट पाइप को। दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल प्लम्बिंग आइडियाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ मैं डालते रहता हूँ हमेशा। ये देखिए दोस्तों, हम अभी ये कपलिंग को खोल रहे हैं, यहाँ से लूज़ हो गई है बिल्कुल। तो दोस्तों इसको वापस से ही इसको बिठाना है हमें, इसको हम साफ़ कर लेंगे किसी नाइफ़ की मदद से या फिर किसी पतरे की मदद से, जो वाल पुट्टी में पेंटर लोग इस्तेमाल करते हैं उससे हम इसको साफ़ कर लेंगे पहले, फिर इसी को हम दोबारा से बिठाने वाले हैं। दोस्तों इसमें पहले जो एमसील या सिलिकॉन लगा होगा हम इसको निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करने वाले हैं और एक रेसी बाउंड करके आता है दोस्तों। क्लियर सिलिकॉन दोस्तों हमको अवेलेबल नहीं था, इमरजेंसी था थोड़ा, इसलिए हमने जो अवेलेबल था उसको लगाया है। ये रेड कलर का है सिलिकॉन, देखिए ये रेड कलर का है, तो हम रेड कलर का ही यूज़ कर लेंगे दोस्तों। लेकिन आप बेहतर है, आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल क्लियर वाला ही इस्तेमाल करें, इससे जॉइंट नहीं दिखता है दोस्तों और एकदम क्लियर फिनिशिंग देता है। तो दोस्तों हम इसको भी कोशिश करेंगे कि बहुत ही सफाई से लगाएंगे। तो दोस्तों हमने इसकी सफाई कर ली थी, तो हम इसको अब सिलिकॉन लगा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल टोमेटो केचप नज़र आ रहा है इस तरह से दोस्तों। आप ये सिलिकॉन लगा ले, इस तरह से ही लगाना है दोस्तों। इस तरह से आप लगाते हो तो आपका बेसिन लीकेज नहीं करेगा और फिटिंग भी अच्छी आएगी दोस्तों। और हमने बेसिन को भी साफ़ कर लिया है, इस तरह से आप गीला अगर है तो कपड़ा वगैरह मार ले उसको, इस तरह से लगा दें। ठीक है दोस्तों, अभी हमने इसको लगा दिया है, अभी हम नीचे से नट लगा देंगे इसका। पहले हम लगाएंगे रबर वाइशर और उसके बाद लगाएंगे दोस्तों इसका ब्रास वाला नट। ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों इसको कसना नहीं पड़ता है, ये स्लिप कर जाता है। तो ध्यान रहे, अगर आप अपने घर पे खुद कर रहे हो तो इसको ज़्यादा कसना नहीं है, इसकी आटी को थोड़ा हल्का धीरे धीरे कसना है ताकि ये स्लिप ना करे, क्योंकि दोस्तों ये नट जो होता है ब्रास का होता है। देखिए इस तरह से आराम आराम से आप उसको कस दे, थोड़ा फिटिंग में आ जाए तो उसको छोड़ दे। और ये सिलिकॉन को हम वापस से दबा दबा के वापस से भर देंगे। और दोस्तों क्या करना है, वीडियो पूरा देखें, ये तो थोड़ा गंदा हो रहा है तो हम इसको पोंछने भी वाले हैं। ये देखिए इस तरह से आप दबा दबा के पूरी उसकी सीलिंग कर दे, ताकि लीकेज का कोई अंदेशा ना रहे। इस तरह से ये देखो दोस्तों, हम कपड़े की मदद से सिलिकॉन जो एक्स्ट्रा हो गया है इसको साफ कर रहे हैं। और बहुत ही दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है काम के अंदर के आप सफाई का पूरा ख्याल रखें, ताकि आपका काम खूबसूरत नज़र आए। दोस्तों हमारी काम करने की टेक्निक और खूबसूरती की वजह से ही दोस्तों हमको काम मिलते हैं, तो इसका खास ख्याल रखा जाए दोस्तों। देखिए अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी आप इसको 10 मिनट के बाद यूज़ कर सकते हो, ताकि सिलिकॉन सूख जाए अच्छे से। 10 मिनट में दोस्तों ये पूरा सूख जाएगा और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी वेस्ट पाइप लगाना बाकी था तो उसको लगाते थे, तो चलिए दोस्तों लग गया। देखिए दोस्तों ये 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद हम आपको बता दें कि लीकेज बिल्कुल बंद है, अब इसका सिलिकॉन पूरी तरह से सूख चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लम्बिंग आइडियाज़, थैंक यू।